कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से विनती की, गुरुवर हम आपसे कोई अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट तथा परमेश्वर के प्रति निष्ठाहीन पीढ़ी अद्भुत चिन्ह की लालसा करती है, फिर भी इसे भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ठीक जैसे भविष्यद्वक्ता योना 3 दिन और 3 रात विशालकाय जल जंतु के पेट में रहे, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात भूमि के भीतर रहेगा। न्याय दिवस पर नीनवे नगर की जनता इस पीढ़ी के साथ उपस्थित होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि उसने तो भविष्यद्वक्ता योना के प्रचार के परिणाम स्वरूप पश्चाताप कर लिया, किंतु यहाँ तो वे हैं जो भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर हैं। न्याय दिवस पर दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर से यात्रा कर राजा शलोमोन के ज्ञान को सुनने आई थी, किंतु यहाँ तो वो हैं जो राजा शलोमोन से भी बढ़कर हैं।